हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे हीरेंद्र ट्यूटोरियल्स पे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो भी पंचायत के पदाधिकारी हैं उन लोग उसके पद से कैसे हटाया जाता है, ठीक है, कितने तरीकों से हटाया जा सकता है, ये सबके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के क्लास में पदाधिकारियों की पद मुक्ति, ठीक है, कितने तरीके से हटाया जाता है। जनरली जो है अधिकारियों को, जो पदाधिकारी हैं, जो पंच है, सरपंच है, जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इन लोगों को पांच तरीके से हटाया जा सकता है। पहला है आपका अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा है रिकॉल, ठीक है, दूसरा है रिकॉल प्रत्यावर्तन, तीसरा है आपका त्याग पत्र, चौथा है हटाना और पांचवा है आपका निलंबन करना, ठीक है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके द्वारा हटाया, किसके ऊपर लाया जाता है, किसके द्वारा किसके ऊपर लाया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो जनरली जो है जो प्रमुख है और उप प्रमुख के ऊपर जो है लाया जाता है, जैसे सरपंच, पंच है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोग के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो वो ये जो लाता कौन है, तो इसमें जो चुने हुए जो सदस्य रहते हैं, जैसे इसमें जैसे अध्यक्ष के ऊपर लाना है ना, जैसे सरपंच के ऊपर लाना है, तो वो जो पंच जो है, जितने पंच लोग हैं उन लोग जो है किसके ऊपर लाएंगे, सरपंच के ऊपर जो है प्रस्ताव, मतलब इसमें चुने हुए सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रत्यावर्तन के केस में जितने भी उस ग्राम सभा के अंदर जितने जो मतदाता रहते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के अंदर यदि कोई मतदाता है या जैसे जिला जनपद सदस्य, जनपद जैसे पंचायत के अंतर्गत जितने भी मतदाता आएंगे, उन लोग अपने जो है मतदाता अपने जो वोट का इस्तेमाल करके उनको उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो उनके क्या होंगे, ये मतदाताओं के द्वारा जो है हटाया जाता है। त्याग पत्र मतलब स्वयं के त्याग पत्र, यदि काम करने की इच्छुक नहीं है तो वो अपना खुद का त्याग पत्र दे सकते हैं। चौथा है आपका हटाना, टर्मिनेट करना, यदि कोई व्यक्ति है ना, कोई यदि सरपंच है, उप सरपंच है, यदि इन लोग जो है आपराधिक मामले में फंसे हुए हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो इन लोग को डायरेक्ट जो उच्च अधिकारी रहते हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। और पांचवा है आपका निलंबन, निलंबन मतलब सस्पेंशन, जैसे वो भी दोषारोपण है, कुछ महीनों के लिए उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पांच तरीके के हैं, पांच तरीकों से उनको उनके पद से हटाया जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जो सूचना है ना, लाने हेतु सूचना किसे दिया जाता है और उनकी बैठक की अध्यक्षता करते कौन करता है, ये सबके बारे में पढ़ते हैं। तो जो ग्राम पंचायत स्तर में क्या होता है, ग्राम पंचायत स्तर में जैसे उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उनके लिए सूचना किसको दिया जाता है, अनुविभागीय अधिकारी SDM को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये अनुविभागीय अधिकारी क्या करेगा, तय करेगा कि उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये किसी नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी को क्या करता है, चुनाव करता है। जो नायब तहसीलदार होंगे, समकक्ष अधिकारी रहेंगे, उनको बोलेंगे कि आप इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका जनपद पंचायत के केस में, तो इसमें सूचना किसको दिया जाता है, जिला कलेक्टर को दिया जाता है और उस बैठक की अध्यक्षता जो होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी जो है उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जिस बैठक में विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तीसरा है आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत के केस में क्या होता है, जो सूचना जो दिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव लेने हेतु, ये संचालक पंचायत को दिया जाता है और इसकी अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब मान लो यदि कोई है जो है अविश्वास प्रस्ताव यदि किसी भी पंच, सरपंच या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ऊपर जो है ना पारित हो जाता है और उनको यदि लगता है ना प्रमुख उपप्रमुख को जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लगता है कि मेरे ऊपर जो भी इन लोग के जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो सही तरीके से नहीं लाया गया है, तो वो क्या करेगा, अब जैसे उच्च अधिकारियों को क्या करेगा, वो अपील करेगा, ठीक है। तो अपील करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, सरपंच किसको अपील करेगा, सरपंच जो है कलेक्टर को अपील करेगा, कितने दिवस के भीतर अपील करेगा, 7 दिवस के भीतर क्या करेगा, प्रस्ताव पारित होने के 7 दिवस के भीतर क्या करेगा, वो अपील करेगा। फिर क्या होगा, जनपद अध्यक्ष के और जो उपाध्यक्ष हैं ये किसको अपील करेंगे, संचालक पंचायत को क्या करेंगे, अपील करेंगे, कितने दिवस के भीतर, 10 दिवस के भीतर क्या करेंगे, अपील करेंगे। उसी प्रकार जो जिला पंचायत के केस में क्या करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है वो डायरेक्ट राज्य सरकार को क्या करेंगे, अपील करेंगे, कितने दिवस के भीतर, वो 15 दिवस के भीतर। अब ये जितने भी अधिकारी हैं इसमें, जैसे कलेक्टर हो गए, इसमें संचालक पंचायत हो गए और राज्य सरकार, ये 30 दिवस के भीतर है ना अपना जो है निर्णय क्या करेंगे, सुनाएंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इससे और अधिक जो है ना रिकॉल प्रत्यावर्तन, रिकॉल त्याग पत्र हटाने के बारे में आप लोग से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।